हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो लीजिए, लास्ट पार्ट लेके हाजिर हूँ मैं। इस वाले पार्ट में आपको वन बाय वन जो भी पार्टिसिपेंट भाग लिया था इस कंपटीशन में, उनका डांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सारी भीड़ है। तो चैनल में फर्स्ट टाइम हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही एक्साइटेड है सब लोग, और हम लोग भी, और आप लोग भी होंगे। तो चलिए, यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कॉमेंट में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नए होंगे प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा, तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आप लोगों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा प्लीज फ्रेंड्स। आशीर्वाद दे दीजिए हमें। और सारे ग्रुप ने मेहनत किया, बहुत बढ़िया। और एक राम जी बने थे, वो कहाँ पे है? यहाँ। बहुत बढ़िया बेटा, आपका नाम क्या है? करवाते रहिए, जितना भी कॉम्पिटिशन हो, छोटा है बड़ा, सब पे परफॉर्म करवाइए। ठीक है, और शानदार, वेरी गुड। अभी ये जो बच्चे परफॉर्मेंस किए हैं, इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। जो भी बच्चे, ये जो भी ग्रुप और जो भी सिंगल बच्चे जो लोग डांस किए हैं, ये जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, इनको लास्ट में इनको सीट देकर सम्मानित किया जाएगा। और इनको सम्मानित करने के लिए हमारे पादरी यार वार्ड नंबर 17 के पार्षद माननीय रितेश सिंह और बड़ू भैया, हमारे पूर्व ग्राम प्रधान राजेश शर्मा जी और राजेश शर्मा जी भैया, इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। कृपया जगह दें। और इस ग्रुप जो ये ग्रुप अभी डांस किए हैं देवाश्री गणेश साहब जी हैं, हमारे पादी विचार के मुन्ना चचा जी, जो मुन्ना वैश्य नाम उनका चचा जी, उनको एक सौ रुपये का पुरस्कार दिए हैं। कृपया आप लोग तालियों से उनका अभिनंदन करें। बहुत सच्चे दरबार की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। शर्मा जी और राजेश शर्मा जी भैया, बच्चों को कृपया जगह दें। और इस ग्रुप जो ये ग्रुप अभी डांस किए हैं देवाश्री गणेश साहब परफॉर्मेंस किए हैं, हमारे पादी विचार के मुन्ना चचा जी, जो मुन्ना आपका फेस दिख रहा है? सीक्रेट है। ओके, सीक्रेट सुपरस्टार। यस। कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो कोरियोग्राफी इज टू गुड और कोऑर्डिनेशन तो नेक्स्ट लेवल है इधर। थैंक यू। कोई दो राय नहीं थी। मैं सही बात है। आपके सर ने कोरियोग्राफी किया? शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग तो रात को बहुत लेट से आए, मतलब लेट क्या, मतलब 10-11 बजने वाले थे, तभी चीनू का जो कंपटीशन है, मतलब उसका जो डांस था वो नहीं हुआ था। और वहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग आए, जल्दी से आके मैंने खाना बनाया, खाना खाया, खाना खा के फिर हम सो गए। तो मैं आप लोग से, मतलब वीडियो मैंने बनाना भूल गई,
तो मैं अभी सुबह सो के उठी, अभी बज रहे 7:30 हो रहे हैं सुबह के, तो मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो का एंड कर दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो का एंड कर रही हूँ, बहुत लंबा गया, 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाला था। फ्रेंड्स आपने बहुत सारा प्यार दिया, मतलब इतना नहीं फिर भी दिया, तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स बहुत नींद आ रही है, मैं अभी फिर सोने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चों के पीछे लगे थे हम, क्योंकि ये इतनी जल्दी इन्होंने नहीं सीखा था, सिर्फ 5-6 दिनों में बच्चों ने ये जो परफॉर्मेंस किया था फिर भी बहुत अच्छा किया। मतलब अब जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे थे तो हमको तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। अब जजेस ने किया जो किया उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। आप लोग वीडियो देख के कॉमेंट में ज़रूर, आप लोग वीडियो देख के कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को किसका, छोटे बच्चे हैं इतना अच्छा स्टंट किया था हम लोगों ने। हाँ देखिए 2 या 3 दिन में, मतलब 6 दिन में उन्होंने तैयार किया था, 6 दिन में इतना तैयार करना बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल पसंद होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सोते हैं, बहुत नींद आ रही है फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय।